वेलकम फ्रेंड्स, लांत्रंत्र चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज जिन लोग को असम गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉई होने का अपॉर्चुनिटी मिला है। फ्रेंड्स, इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क, इतना मेहनत, इतना परिश्रम करने के बाद जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई होने का सौभाग्य मिलता है तब काफ़ी अच्छा लगता है। मैं भी समझ सकता हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अब एंड मुझे जब मिला था जॉब तब मुझे मतलब कितना खुशी हुआ था, मतलब आई कांट एक्सप्लेन। सो जो भी हो, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। बट का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीएम सर ने जो भी आज अनाउंस किया है उसको मैं अच्छा से एनालाइज करूंगा एंड फ्यूचर में क्या क्या जॉब निकलने का अपॉर्चुनिटीज़ है उसका बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सो वीडियो स्टार्ट करने का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं डेली जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का वीडियो चैनल में आप लोगों का साथ शेयर करता हूं एंड कोई भी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड टैट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं चैनल में शेयर करता हूं। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन को प्रेस करके जरूर जाइए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आज का सीएम सर का जो स्पीच था उसे अगर हम लोग एनालाइज करें तो क्या बात निकल के आ रहा है, तो अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोग को समझ में आएगा कि जिन लोगों का हार्ड लक था, जिन लोगों को जॉब नहीं मिला कुछ कारणवश, एक नंबर दो नंबर नहीं तो सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन लोग को मायूस होने का, मन खराब करने का कोई भी ज़रूरत नहीं। हाँ गाइस, क्योंकि विद इन फ्यू मंथ आफ्टर दुर्गा पूजा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है। ठीक है गाइस, गवर्नमेंट मतलब प्रॉमिस किया है कि 1 लाख जॉब पूरा करेगा, उसके लिए काफ़ी अभी भी वैकेंसीज निकलना बाकी है। तो उसका एग्जांपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आज क्या चीफ मिनिस्टर सर ने क्या बोला है कि विद इन 2 to 3 months 10,000 न्यू वैकेंसीज ऑफ फॉरेस्ट बैटेलियन, उसका एक वैकेंसीज निकलेगा। देन कुछ दिन पहले सीएम सर ने ये भी बोला था कि 5,000 वैकेंसीज इन APDCL निकलेगा। एंड गाइज, अगर हम डीपली एनालाइज करें सीएम सर का जो स्पीच था उसे, तो एक बात ही निकल कर आ रहा है कि मोस्ट अवेटेड जो आसाम सीनियर सेकेंडरी टेट है वो होने वाला है 2023 में। हाँ, सीएम सर ने आज मेंशन नहीं किया है उसका बारे में, बट अगर हम लोग एनालाइज करें, क्योंकि 12 अक्टूबर को जब प्रेसिडेंट हमारे स्टेट में विजिट करेंगे तो क्या बोला गया है कि 1000 न्यू HS स्कूल जो कि टी गार्डन एरिया में मतलब इस्टाब्लिश के लिए आधारशिला रखेंगे। অহা 12 তারিখে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গুৱাহাটীত আহিব, আমি চাহ বাগিচা অঞ্চলত আৰু 100খন আমি হাইস্কুল খুলিম, অৰ্থাৎ আমি প্ৰতিটো দিনেই ৰাজহুৱা শিক্ষা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আমি কাম কৰিছো। বাট মে গাইজ, আপোনালোকৰ সৈতে এক বাত বলা চাওঁ কি নম্বৰ অফ HS পাস কেণ্ডিডেট, যো HS টেট পাস কেণ্ডিডেট হে, ও কাফি কম হে, জিতনা ভি ভেকেন্সিজ থা ও ফুল হো গিয়া হে एंड जितना भी टेट पास कैंडिडेट था ऑलमोस्ट सभी को मिल गया है। ऑलमोस्ट मतलब कुछ रह सकता है, बट मास अमाउंट ऑफ जो टेट पास कैंडिडेट है HS पास टेट पास उन लोग को मिल गया है। तो अगर गवर्नमेंट को न्यूली स्कूल इस्टाब्लिश करना पड़ेगा 100 स्कूल के लिए ऑन एन एवरेज एक स्कूल में अगर हम लोग 6 टीचर भी पकड़े तो एटलीस्ट हम लोगों का यहाँ पे 600 टीचर न्यू चाहिए। लेकिन बोला गया था कि जितना भी हाई स्कूल है उसको हायर सेकेंडरी में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर हायर सेकेंडरी में कन्वर्ट करेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीचर भी ज़रूरत पड़ेगा। तो जो लोग मोस्ट अवेटेड असम सीनियर सेकेंडरी टेट के लिए वेट कर रहे हैं, उन लोगों का माइंड में एक ही बात है कि असम 2022 HS टेट होगा या नहीं होगा, 2022 में होगा या 2023 में होगा। तो मेरा जो मतलब व्यू है, मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि 2022 में ज़्यादा दिन नहीं है, ज़्यादा मंथ नहीं है, तो बाय द एंड ऑफ 2023, क्योंकि टेट के लिए पहले 2 to 3 months प्रिपरेशन में जाएगा, नोटिफिकेशन में जाएगा, जन स्टडी लीव के लिए स्टडी करने के लिए 3 महीना देगा, उसका बाद बाय द एंड ऑफ आफ्टर दुर्गा पूजा बाय द एंड ऑफ 2023 का एंड में आसाम टेट जो HS टेट है वो होने का काफ़ी चांसेस है गाइज। ठीक है गाइज, तो आप लोग उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए। 12 अक्टूबर को जब प्रेसिडेंट विजिट करेंगे एंड तब हम लोगों को नया अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन सेक्टर में और नया टेट होने का क्या क्या चांसेस है उसका बारे में और डिटेल्स में हम लोग को जानने को मिलेगा। तो गाइज, आप लोग अच्छा से स्टडी कीजिए असम टेट के लिए एंड जो मतलब कैंडिडेट्स मतलब फॉरेस्ट बैटेलियन में जाना चाहता है वो लोग रेगुलरली रनिंग करते रहिए। PTCL का भी रिक्रूटमेंट आने वाला है, तो सभी रिक्रूटमेंट के लिए आप लोगों को स्टडी करना पड़ेगा, बिकॉज जिन लोगों का इस बार हार्ड लक था, अगर हम लोग एक बात एनालाइज करें तो यही आता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों का जो एफर्ट
का थोड़ा कमी रह गया था, इसलिए हम लोग को लास्ट चांस नहीं मिला। तो इस बार आप लोगों को कोई भी मतलब गलती करना नहीं है और आप लोगों का 100% देना है। 5000 APDCL जॉब एंड 10000 जो फॉरेस्ट बैटालियन का जॉब है उसमें आपका नाम एक रहना चाहिए। आप लोग ऐसे करके स्टडी कीजिए एंड जो लोग असम टेट के लिए वेट कर रहे हैं उन लोग कंटिन्यू अपना स्टडी कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि विद इन 2023 असम टेट होने वाला है, दिस इज श्योर। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मैं डेली जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के वीडियो असम टेट के लिए एंड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैं अपलोड करता हूँ चैनल में। थैंक यू गाइज़।